दोस्तों कमिंग बस पांच मिनट ना इनोवेशन इज समथिंग जिससे कोई भी कंट्री सस्टेन करती है इनोवेशन ना हो तो आपकी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाते हैं चाहे हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन हो चाहे बाहर की मेसोपोटामिया इनोवेशन पे कितना कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेंटली इंडिया हैज स्लिप्ड इन द रैंक ऑफ इनोवेशन और आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे जब इंटरनेशनल इंटलेक्चुअल रिलीज जिसमेंग देखेंगे और साथ में इस इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम डिफ्रेंशेट करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से बिकॉज इनोवेशन के बहुत सारे इंडेक्स रिलीज होते हैं किसको कौन रिलीज कर रहा है बढ़ते आगे और जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले इस इंटेलेक्चुअल आपका प्रॉपर्टी जो इंडेक्स आया है इसके बारे में देखते हैं कि इसकी फाइंडिंग्स क्या है नॉट दिस टॉक अबाउट कि इंडिया uh, का स्कोर जरूर इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 38 टू 36 सिक्स बट रैंकिंग कम हो गई है बिकॉज ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग फोर्टी थी आउट ऑफ फिफ्टी थ्री कंट्रीज सो द रैंकिंग वॉज गुड बट द स्कोर इज गुड नाउ क्योंकि डाउनफॉल हो चुकी है, है। इसमें जो टॉप करने वाली है, है, ranking, इसके बाद आपके यूके एंड के जर्मनी वगैरह आते हैं विच आर परफॉर्मिंग वेल इन देशन इसके बाद आते हैं इम्प्रूव आई पी आर रिजीन देखा जाए तो दिस रिपोर्ट ऑल्सो टॉक्ट अबाउट की ओवरऑल

नॉट जस्ट यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसकी एक छोटी एक ब्रांच है इस Center, वो इसको रिलीज करती है तो अगर एग्जाम में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स गायब हो जाए और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर आपका आए तो कन्फ्यूज नहीं होना इसी की ये सब कैटेगरी है और ये ये आपका रिलीज करती है ध्यान रखेगा इसमें फिफ्टी इंडिकेटर्स ये ओवरऑल श्योर करती है कि इसमें फिफ्टी इंडिकेटर्स को यूज करती है अक्रॉस नाइन कैटेगरीज की इनके अक्रॉस कोई भी गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है नॉट दिस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इट इज एक्चुअली अ ग्लोबल फेडरेशन ऑफ बिजनेसमैन कोई आपकी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बिजनेसमैन की फेडरेशन है इसमें बड़े से लेकर छोटे बिजनेसमैन सब शामिल होते हैं जिनका बेसिक पर्पस होता है उनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट के सामने रखना यूएस गवर्नमेंट के सामने हो या इंटरनेशनल गवर्नमेंट के सामने हो या फिर आपके ओवरऑल ग्लोबल जो बिजनेस है उसके सामने अपना पर्सपेक्टिव रखना यह आपकी उन्नीस में बनी थी विद द विद्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट विलियम हार्वर्ड था अप्रैल में यह आपकी बनी थी इसमें जो नाइन इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे परफॉर्म करती है उनको ध्यान रखेंगे इनको टू कैटेगरीज में कर सकते हैं दैट इज वेरियस टाइप ऑफ इनोवेशन में कोई कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है दूसरा इस इनोवेशन को यूज करने में कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है मतलब वेरियस काइंड ऑफ इनोवेशन कैसी हो रही है इस पे ध्यान देना है और दूसरा इस इनोवेशन को कंट्री यूज कैसे करिए इस पे ध्यान देना है जैसे पेटेंट आपने कोई नई चीज ही डिजाइन कर दी हो उसका पेटेंट मिलता है जैसे मोबाइल फोन आ गया जैसे एप्पल के फोन का अपना पेटेंट है कॉपी कॉपीराइट आपके लिटरेरी या फिर म्यूजिकल आपने नए पीसेस बनाए हैं तो उसके लिए मिलता है नया गाना बनाया या सोनू निगम ने नया गाना बनाया उसके लिए अब उनको कॉपीराइट मिलेगा ट्रेडमार्क आपने कोई चीज नई चीज इन्वेंट की है या बनाई है डिजाइन की है और उसके बाद आपने उसके लिए एक अच्छा सा लोगो लगाया है तो उन सब चीजों के लिए ट्रेडमार्क मिलता है आपका डिजाइन राइट right, जैसे सेमीकंडक्टर की आईपी चिप्स डिजाइन होती हैं किसी भी इंडस्ट्री के, के कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइन होती है उसके लिए आपको डिजाइन राइट right मिलते हैं ट्रेड सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट किसी मतलब आपने कोई नई फर्म ज्वाइन की है और वो किसी रेसिपी पे काम कर रही है तो वो उसका ट्रेड सीक्रेट है जिसके बेसिस पे वो काम करती है कुछ नई रेसिपी कुछ नया तरीका जिसके बेसिस पे कंपनी काम कर रही है चाहे कोई पॉलिसी ही क्यों ना हो वो ट्रेड सीक्रेट होते हैं तो इन सब पे कंट्री कैसा परफॉर्म करती कैसा मतलब कितना पेटेंट इनोवेट हो रहा है कितना कॉपी इनोवेशन हो रहा है पहले इनोवेशन पे ध्यान देती है कि कितना हो रहा है दूसरा अगर इनोवेशन हो गया तो उनकी सरकार और कमर्शियलाइजेशन कितना हो रहा है इस पर ध्यान देंगे कि सरकार ने जो आईपीआर जो अधिकार मिलते हैं उसको कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया अब किसने नई चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली लेकिन बाजार में उसके हजारों जेनेरिक वर्जन आ गए एंड द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रिवेंट दिस दिस इज पुअर इन्फोर्समेंट साथ में नई इनोवेशन को कितनी जल्दी पेटेंट मिला यह आपका सिस्टमैटिक एफिशिएंसी को देखती है कितनी जल्दी पेटेंट मिला और कितनी जल्दी वो मार्केट में उतार पाए तो कमर्शियलाइजेशन पे भी ध्यान देती है कि बिजनेसमैन कितनी जल्दी उस आइडिया को अडॉप्ट कर पा रहे हैं उसको कमर्शलाइज करने में और इसके साथ ध्यान देते हैं कि किसी भी कंट्री ने इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू पेटेंट आपकी कितनी साइन की है इंप्लीमेंट करने के लिए एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस एंड कंट्री इज कैटेगराइज ये था आई समझना और साथ में इस साल कैसा परफॉर्म किया ये दो चीजें हमने जानी आप जरा जानते हैं टू एक्चुअली आपका कन्फ्यूजन कम कर देते हैं क्योंकि अक्सर आप जब इनोवेशन के नाम पे वेरियस इंडेक्स आते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सा रिलीज कर रहा है कीप इन माइंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटरनेशनल आई पी आर आपका यूएस रिलीज करता है ना इफ यू सी इन न्यूज हर बार आईपीआर आई पी आर एफ टी ए में आई पी आर यहां पर आईपीआर वहाँ पे आई पी आर कौन कौन सी सरकार इसके बारे में बारे में बात करती है दैट इज यूएस यूएस टॉक मोस्ट अबाउट इट की आईपीआर इधर बचाओ आईपीआर इधर बचाओ और यूएस में सबसे ज्यादा एक्चुअली वन ऑफ दी लार्जेस्ट इनोवेशन होती भी है सो आई पी आर इज टॉक्ट अबाउट द बट इनोवेशन इज टॉक्ट वीपो तो ध्यान रखिएगा आईपीआर से यूएस ऑप्शस्ट है कि इनोवेशन होते ही इनोवेशन होते ही उसका यूज कर लिया जाए आईपीआर देके उसको पेटेंट बनाओ पेटेंट बनाने से पैसा कमाओ ये यूएस की मतलब सबसे अच्छी रेसिपी है बट इनोवेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि सभी इनोवेशन को पेटेंट बनाया जाए कुछ इनोवेशन ऐसे भी हो सकती है पेटेंट की जगह सबको बांट दिया जाए तो इस इनोवेशन पे ध्यान देना ये वीपो का काम होता है जैसे वैक्सीनेशन ना कंट्री टॉक्ट पेटेंटिंग ना हो तो बेहतर है बिकॉज हम साथ में डूबेंगे या फिर बचेंगे ना दैट्स वाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट आपकी वीपो निकालता है हर दो साल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपका इंडेक्स है इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आई ये जो आपका IIPI है ये आपका यूएस निकालता है लेकिन वर्ल्ड से ही वीपो शुरू होता है वर्ल्ड से ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट निकलती है तो दोनों है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट इसको वीपो निकालता है ठीक है वर्ल्ड से वीपो और वर्ल्ड से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड रिपोर्ट साल में दो बार निकलती है और दो हजार नौ से शुरू हुई थी इंटरनेशनल आईपीआर आपकी 2001 हजार एक दो से ही शुरू हो गई थी ये आपकी 2009 में शुरू हुई थी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका इंडेक्स यूएस निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट आपका विपो निकालता है। दोनों में वर्ल्ड है साथ में पेटेंट के रिपोर्ट भी आपका विपो निकालता है और एक बहुत फेमस रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ठीक है ये आपकी 2007 से निकल रही है इसमें पहला कंट्रीब्यूशन आपका और वर्ल्ड बिजनेस का था एक मैगजीन थी निकालना इन दोनों ने शुरू किया लेटर ऑन अब इसमें तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर निकालती है एनसीआर कॉर्नल यूनिवर्सिटी एनवीपो तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इनोवेशन से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं और इनको कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन निकाल रही है विद विद दैट वी आर डन द सीरीज If you like the video, you need to like and subscribe it. If not, then comment section me doubt doubts Thank you so much. Current affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than hundred students crack IAS with our current affairs classes.